आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा स्ट्रॉबेरी अप्रिकोट स्क्रब से चेहरे को कैसे चमकाया जाए, कैसे चेहरे पर अच्छा निखार दिया जाए। सबसे पहले चेहरे को इस तरीके से पानी मार के धो लेना है, स्किन पर जो धूल धक्कड़ गर्दा मिट्टी लगा वो साफ हो जाए। इस तरीके से आप चेहरे को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद में कोई मटेरियल लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इनके चेहरे को धो दिया है, अब हम मारेंगे स्प्रे इनके चेहरे पर। यह दोस्तों डाबर क्लेंजर, गुलाबरी क्लेंजर है दोस्तों डाबर का, बहुत अच्छा स्प्रे होता है। इस तरीके से स्प्रे कर देंगे पूरे चेहरे पर, तो चेहरे पर जो पोल्यूशन लगा होता है, धूल लगी होती है, कट जाता है, साफ़ हो जाता है। स्प्रे करने के बाद में इस तरीके से आप 2 मिनट तक के मसाज कर दीजिए सब जगह, पूरे चेहरे पर, गाल पर, गले में, मत्थे पर, सब जगह पूरे चेहरे की सफाई हो जाती है। तो इसके ऊपर जो हम मटेरियल लगाएंगे, स्क्रब लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, तो उसका असर अच्छा होता है, चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। तो 2 मिनट मसाज करने के बाद में इसको पानी मार करके धो देना है, चेहरे को साफ कर लेना है। इस तरीके से आप पोंछ दीजिए, चेहरा साफ हो जाएगा। अब हम लगाएंगे स्क्रब इनके चेहरे पर। यह दोस्तों स्ट्रॉबेरी अप्रिकोट स्क्रब, अच्छा स्क्रब होता है ये। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक का, जब भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने स्क्रब इनके चेहरे पर लगा दिया है, स्क्रब के ऊपर से हम लगाएंगे दोस्तों अलवेरा जेल। यह है बोरो प्लस अलवेरा जेल। इस तरीके से हाथ पे ले लीजिए थोड़ा सा, और स्क्रब के ऊपर से लगा देना है हमें। इस तरह से पूरे चेहरे पर लगा देंगे, और इसके ऊपर से हम डालेंगे दोस्तों गुलाब जल। ये डाबर गुलाबरी, अच्छा गुलाब जल होता है डाबर का। आपके पास जो भी हो उसको आप लगा सकते हैं। आपके पास अगर गुलाब जल नहीं है तो आप पानी लगा करके इस तरीके से मसाज करिए, कम से कम 10 मिनट तक इस तरह से मसाज करना है। पूरे चेहरे पे इस तरीके से मसाज करिए बढ़िया से। दोस्तों जितने अच्छा आप मसाज करेंगे, जितने अच्छा आपका हाथ चलेगा चेहरे पर, उतने अच्छा निखार आएगा, चेहरा ग्लो करता है। हमने करीब 10 मिनट तक का मसाज किया था इनके चेहरे का। अब हम चला देंगे मसाजर। यह दोस्तों मसाजर मशीन, इस तरीके से पूरे चेहरे पर चलाना है करीब 4 से 5 मिनट तक का। इस तरह से आप मशीन को पूरे चेहरे पर चलाइए सब जगह, गाल पर, मत्थे पर, गले में। दोस्तों मसाजर के कई फायदे होते हैं, स्किन मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। उसके अलावा चेहरे पर जो कील मांस गड्ढे होते हैं, गड्ढे धीरे धीरे सही हो जाते हैं, गड्ढे बराबर हो जाते हैं, चेहरे पर चिकनाई आ जाती है। स्क्रब मसाज में मसाजर चलाने से चेहरे पर अच्छा निखर आता है, चेहरा ग्लो करता है। आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक का मशीन ज़रूर चलाइए चेहरे पर। आपके पास मशीन नहीं है तो आप कम से कम 15 मिनट तक का हाथ से कंटिन्यू मसाज करें। हमने 10 मिनट तक का हाथ से मसाज किया था इनके चेहरे पर, अब हम मशीन चला रहे हैं। इस तरह से 5 मिनट तक का मशीन चलाएँगे। मशीन चलाने के बाद में 5 मिनट तक का और हम हाथ से मसाज करेंगे इनके चेहरे का।
दोस्तों गुलाब जल लगा करके आप मसाज करिए इस तरह से पूरे चेहरे पर। आपके पास अगर समय है तो आप 15 से 20 मिनट तक का मसाज करिए, समय नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तक तो ज़रूर मसाज करिए चेहरे का। अभी हम धोएंगे दोस्तों इनके चेहरे को, धो करके हम आपको दिखाते हैं कि चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने स्पंज से पूरे चेहरा इनका साफ कर दिया है, स्किन पे जो भी मटेरियल लगा था, स्क्रब क्रीम लगा था, सब पूरा धो दिया है। इस तरीके से पानी मार करके आप पूरे चेहरे को धो दीजिए, साफ कर दीजिए। बहुत अच्छा मसाज जो है इनके चेहरे का, बिल्कुल चमक गया है, चेहरा खिल गया है इनका। ये देखिए दोस्तों इनके चेहरे का निखार देखिए, चेहरे का ग्लो देखिए। प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें।